मोदी सरकार आज अपना तीसरी योजना का पहला बजट पेश करने जा रही है। देश के लोगों को इस बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। व्यापारी हो या फिर आम लोग, सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट पर हर किसी की निगाहें टिकी है। इसी बजट को लेकर हमने कुछ लोगों से बातचीत की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बजट के अंदर हमेशा की तरह से थोड़ा सा रिलीफ चाहिए। रिलीफ इस सेंस में कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो बहुत नॉर्मल कर दिया, बहुत ठीक है, लेकिन ओल्ड स्कीम के तहत बहुत हैवी टैक्स है, 20% और उसके बाद 30। थोड़ा सा रिलीफ इसमें मिल सकता है, 20 को 15 किया जा सकता है, 30 को 25 किया जा सकता है। एक मेजर चेंज की जो ज़रूरत है वो ये, पार्टनरशिप फर्म में 30% टैक्स लगता है जबकि प्राइवेट लिमिटेड में 25% लगता है। पार्टनरशिप फर्म एक आम आदमी बहुत छोटे स्केल पर तैयार करता है, जब दो दोस्त या दो भाई कोई मिलके काम करते हैं उसमें टैक्स 30% का कोई औचित्य नहीं है, वो हर तरह से 25% होना चाहिए, उसमें कोई कारण नहीं है कि वो 30% है। बाकी जो पिछले 10 सालों से सरकार ने काम किया है वो बहुत सराहनीय है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से गवर्नमेंट का भी खजाना पूरा भरा जा रहा है और पब्लिक को भी बहुत बेनिफिट है, हर तरफ खुशहाली है, मेजर मिडिल क्लास खूब एंजॉय कर रहा है टैक्स क्रेडिट को और सब तरह से टैक्स फ्री क्या और अमाउंट भरनी चाहिए नहीं, 7 लाख इज मोर देन सफिशेंट है, 7 लाख इज सफिशेंट, इसके लिए कोई ना रिक्वायरमेंट है ना नीड है इसकी किसी तरह से। क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह का बजट होगा? बजट सॉफ्ट होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए, पेनलाइज एक्शन को थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। आम आदमी भाई, किसी अफसर या किसी पर ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए कि किसी को भी ग्रिल किया जा सके विदाउट रीज़न। और जहाँ चोरी का सवाल है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रोविज़न बना दिए, जब नेट बैंकिंग का काम हुआ है तो चोरी भी कम हुई है, टैक्स भी अच्छा आ रहा है और हमारे ख्याल से टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नॉर्मल तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। मानते कि देश को अगर अच्छा टैक्स मिलेगा तो देश में उन्नति भी होगी? टैक्स तो बेसिक पर्पज़ है, उन्नति का कारण है कि टैक्स की रिकवरी का जो सिस्टम बैठा है, हर साल से अच्छा टैक्स हर साल आ रहा है। ये ठीक है कि टैक्स लगता है ज़्यादा, लेकिन वो हमारे प्रोग्रेस का एक निशानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से देश में चारों तरफ खुशहाली और हरियाली दिखाई दे रही है, वो टैक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैं रमेश अग्रवाल, मैं एक व्यापारी हूँ। आने वाले बजट से जैसे कि सभी लोगों को उम्मीद होती है, तो व्यापारी होने के नाते मेरे को काफ़ी उम्मीदें हैं। ये मोदी गवर्नमेंट के तीसरे टर्म का पूर्णकालिक पहला बजट होगा। अभी हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जो भी रिफॉर्म करने जा रही है, इस बजट से उसकी प्रदर्शन होगा। पिछले बजट में जैसे बार बार चेंजमेंट करने में, टैक्स स्लैब वगैरह चेंज करने में व्यापारी को बड़ी दिक्कत आती है। हम चाहते हैं कि लंबी टाइम की पॉलिसियां बनाई जाएं, इनकम टैक्स में छूट मिले, अधिकारियों की दखलंदाजी व्यापार में कम से कम हो ताकि व्यापारी सुचारू रूप से अपना व्यापार कर सके। पॉलिसियाँ लंबे टाइम के लिए होनी चाहिए। टैक्स स्लैब दो दो बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, नए पुराने। आम व्यापारी उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको इस कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आती, इसको सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें अभी जो गवर्नमेंट ने GST के दायरे से बाहर की हुई है वो GST के दायरे में होनी चाहिए, और GST के जितने स्लैब हैं उनको मिनिमाइज करें तभी इस GST का अधिक से अधिक लाभ हो पाएगा। अभी गवर्नमेंट चेंज करती रहती है बार बार, कभी एक आइटम को उठा के 5% से 12% में कर दिया, कभी कम भी करना चाहिए, कभी 12% से 5% में कर दिया। और जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, देसी घी वगैरह, ये सब 12% में है, जो कि बहुत मैं समझता हूँ आम आदमी की नेसेसिटी है, इसको 5% से ज़्यादा में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत रोज़मर्रा की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और उसका दूसरा एक प्रभाव ये भी पड़ता है कि टैक्स की चोरी 12% में करने से ज़्यादा होती है, और जो इसके फर्जीवाड़ा जो ज़्यादा होता है, गलत प्रोडक्ट बाजार में बिकते हैं, उन पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि एक आम उपभोक्ता को भी उससे राहत मिले। और गवर्नमेंट की बाकी चीज़ों में दखलंदाजी, जैसे कुछ चीज़ों में अभी टैक्स रेट, इनकम टैक्स 7 लाख का स्लैब बना रखा है इन्होंने, बाकी उस पर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, एक आम आदमी को समझ में नहीं आती, उसका टैक्स कम बनता है और CA के पास जाता है तो वहाँ पर चार्जेज उसके ज़्यादा लग जाते हैं। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट टैक्स ले, लेकिन जो अदर खर्चे हैं जैसे CA के, वकील के, वो खर्चे कम किए जाएं ताकि एक आम उपभोक्ता
आम नागरिक टैक्स देने के प्रति रुचि दिखाए और टैक्स के लिए स्कूलों में कोर्स करवाया जाना चाहिए ताकि उसको बेसिक जानकारी बचपन से मिले और वो एजिटेशन जो ख़त्म हो, इससे बचना चाहे वो ना हो। हम बजट को लेकर ये चाहते हैं व्यापारी होने के नाते कि बजट का जो स्लैब है वो तो बिल्कुल सही है 7 लाख रुपए का, लेकिन जो बजट में टैक्स या और कुछ है वो जो सरकार हर बार चेंजमेंट करती है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो एक ही टैक्स रहना चाहिए। इससे व्यापारी लोग भ्रमित रहते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, और जो टैक्स लगता है वो फैक्ट्री लेवल पे लग जाए तो और बढ़िया हो जाए ताकि हम भ्रमित ना रहें और कस्टमर को भी आसानी रहे कि क्या टैक्स देना है क्या नहीं देना। बाकी सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि पब्लिक के लिए बढ़िया पॉलिसी लेके आए। किस तरह की नई टैक्स प्रणाली के लेकर के उम्मीद है, क्या बदलाव? बदलाव तो ये है कि सरल टैक्स का वो होना चाहिए, स्लैब होना चाहिए कि हम भ्रमित ना आए, आसानी से टैक्स की प्रक्रिया को हम समझ सकें। क्या मानते हैं कि सरकार की अब तक जो टैक्स प्रणाली है वो ठीक चल रही है? नहीं, टैक्स प्रणाली सही है लेकिन उसमें सुधार हर टाइम होते रहने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम राघव चौधरी है और मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापारी हूँ। हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है और कल तीसरे कार्यकाल का पहला बजट सरकार पेश करने वाली है। एक व्यापारी होने के नाते और एक कस्टमर होने के नाते भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार GST की दरों में कुछ कटौती करेगी। जैसे बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जिस पर 28% की GST लगा रखी है सरकार ने, लेकिन वो अब लग्जरी कैटेगरी में नहीं रहे। इस साल गर्मी का अगर हम तापमान देखते हैं 50 डिग्री तक तापमान छू गया और AC जैसा बेसिक प्रोडक्ट जो अब हर घर की ज़रूरत है उस पर सरकार 28% GST लागू करती है। तो सरकारों को GST में कमी लानी चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स का जो GST दर है वो कम होनी चाहिए। क्या टैक्स प्रणाली में जो बदलाव होना चाहिए, जो पुरानी और नई टैक्स प्रणाली? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है कि टैक्स प्रणाली ख़राब है। जो विपक्ष GST को मुद्दा बनाता है ऐसा कुछ नहीं है, GST एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो GST की इन्होंने दरें बना रखी है सरकार ने अलग अलग दर, वो दर बहुत ज़्यादा है और कई आइटम ऐसे हैं जिन पर GST नहीं होनी चाहिए। जैसे खाद्य आइटम है जिन पर GST कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर सरकार ने GST काफ़ी ज़्यादा लगा रखी है। हमारे किसान भाइयों को भी GST की बहुत समस्या आती है, जो बीज है और जो खाद्य का सामान